दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डीजे न्यूज पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही साथ इस घंटी का भी दबाना मत भूलना। रणवीर सिंह जयेश भाई जोरदार की गुजरात में इन दिनों शूटिंग कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस लुक में रणवीर सिंह जीन्स टी शर्ट पहने बेहद साधारण अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह की मुझे भी आपका ध्यान जरूर खींचेंगी। महिला शक्तिकरण के मुद्दे पर बन रही जयेश भाई जोरदार फिल्म के पोस्टर में रणवीर सिंह के पीछे कई महिलाएं घूंघट में दिखाई दे रही है और रणवीर सिंह के चेहरे पर हैरानी नजर आ रही है। रणवीर सिंह ने जयेश भाई जोरदार का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, जयेश भाई एकदम जोरदार। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि फिल्म जयेश भाई जोरदार के इस किरदार के लिए रणवीर ने फिर से अपना वजन कई किलो घटाया। उनके हाव भाव और देहभाषा भी बिल्कुल किसी गुजराती युवक जैसी दिख रही है और वह अपने पीछे खड़ी महिलाओं की रक्षा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। फिल्म में जयेश भाई जोरदार का किरदार आम हिंदी फिल्मों के हीरो जैसा नहीं है और न ही वह दुश्मनों से अकेले भिड़ने में ही सक्षम है। महिला सशक्तिकरण पर बन रही फिल्म जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह की हीरोइन चर्चित फिल्म अर्जुन रेड्डी से डेब्यू करने वाली शालिनी पांडे हैं। आपको बता दें, रणवीर सिंह ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यशराज फिल्म्स उनके करियर के लिए बेहद लकी साबित हुई। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में रणवीर सिंह की फिल्म किल दिल बेफिक्रे, लेडीज वर्सेज रिक्की बहल और गुंडे हिट रही थी। जयेश भाई जोरदार फिल्म में इमोशनल के साथ कॉमेडी भी जबरदस्त देखने को मिलेंगी। फिल्म का निर्देशन दिव्यांग ठक्कर कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया जाता था और अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है।